जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, क्या हाल हम सभी के। दोस्तों, आमिर खान और करीना कपूर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा इस समय भी इतनी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है कि इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर चले बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। और अब लाल सिंह चड्ढा को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद भी लाल सिंह चड्ढा ने इंटरनेशनल मार्केट में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इंटरनेशनल मार्केट में लाल सिंह चड्ढा ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहो और जानो उस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ है। 180 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज से लेकर अभी तक महज 56 करोड़ रुपए की कमाई की है। लेकिन फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सभी को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म चाहे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसने झंडे गाड़ दिए हैं। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस साल आमिर खान की फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है। लाल सिंह चड्ढा ने इंटरनेशनल मार्केट में कमाई के मामले में गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स और भूलभुलैया 2 जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है। आप लोगों को बता दें कि लाल सिंह चड्ढा ने रिलीज के हफ्ते भर में 7 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 60 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। इस आंकड़े को फिलहाल किसी भी फिल्म ने अभी तक नहीं छुआ है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स की माने तो ऑस्कर अवार्डी फिल्म फोरेस्ट गम का हिंदी रीमेक यानी कि लाल सिंह चड्ढा इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा रही है। फिल्म ने भूलभुलैया 2, गंगूबाई काठियावाड़ी और द कश्मीर फाइल जैसी हिट फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। आप लोगों को बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी ने 59 करोड़, भूलभुलैया ने 2 से 57 करोड़ और द कश्मीर फाइल ने करीब 45 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। आप लोगों को बता दें कि आमिर खान की फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार की रक्षाबंधन भी रिलीज़ हुई थी। दोनों ही फिल्मों में ज़बरदस्त क्लैश देखने को मिला था और इसी वजह से दोनों ही फिल्मों को नुकसान भी झेलना पड़ा। इसके अलावा सोशल मीडिया की वजह से भी फिल्म को दर्शक नसीब नहीं हुए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के फ्लॉप होने के बाद आमिर खान अब काम से ब्रेक ले रहे हैं और करीब 2 महीने के लिए US जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह आराम करेंगे और अपनी नई फिल्म पर विचार करेंगे। खबरों की माने तो आमिर खान अब एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में काम करने वाले हैं। ये एक स्पेनिश फिल्म है जिसका वह हिंदी रीमेक बनाने का विचार कर रहे हैं। देखो दोस्तों, सोशल मीडिया पर चले बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो चुकी है। भले ही इंटरनेशनल मार्केट में ये फिल्म अच्छा कर रही हो, लेकिन अभी भी अपने बजट जितना कलेक्शन करने में इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज उठाने पड़ सकते हैं। वैसे आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।